के एकजुटता नहीं हुई है, बंटवारे हुए। मुझे, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, चाहे मैं एनडीए का पार्ट हूँ, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि हर भारतीय, चाहे वो किसी मजहब को मानने वाला क्यों नहीं हो, हम सबको भारतीय के रूप में ही सोचने की आवश्यकता है। और धर्म की चाशनी से अगर जब देखना है इसको स्टार्ट करेंगे तो निश्चित रूप से डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन आएंगे। लेकिन मेरा माधव जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि अगर सबसे बड़ी पार्टी है दुनिया की बीजेपी, अगर उसके नेता की तरफ से इस तरीके की बात कही जाती है तो फिर इसको देश हित में देखा जाएगा? ये देश हित में नहीं है, इस तरह के बयान से जैसे देश की जैसे अखंडता पे जैसे चोट पहुंचता है। ये देश की अखंडता पर चोट वाला बयान आप दे रहे हैं, आपके साथी जेडीयू वाले कह रहे हैं। अगर मैंने इस डिबेट की शुरुआत से अपने आप को हिंदू 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 किया होता तो आप मुझे क्या नाम देते, आप मुझे क्या नाम देते? ये फिर कहते हम सेक्युलर और आप हिंदू। आप देखिए, हिंदू हिंदुत्व हिंदू हिंदुत्व, इनकी थ्योरी क्या है? मैंने बार बार अरे इतने प्यार से बोला, अरे भाई मेरे भाई। लेकिन मैं ये समझना चाहती हूँ, मैं इनके पार्टनर एग्री नहीं कर रहे। दूसरी चीज जेटली साहब, आप कितनी कोशिश कर लीजिए, आप डरा करके अगर ये सोच रहे कि मुसलमान को निकाल देंगे तो सुन लिए, पूरी देश की सरकारें आज तक मच्छर खत्म नहीं कर पाई, तो इंसान मुसलमान को खत्म करेंगे। आखिरी चीज 10 सेकंड, इस देश का मुसलमान सुनिए, ये देश कभी नहीं बटेगा, अखंड भारत बनेगा। आप 1000 कोशिश कर लिए, आपके डीएनए में अंग्रेजों का एजेंटगिरी हो सकती है, हमारे डीएनए में भारतीयता है, ये हम आपको नहीं दिखाएंगे और दोबारा कभी भारत नहीं बटेगा। आप 1000 कोशिश कर लो, युवाओं की बात होगी। देखिए, अपना अपमान अपने आप कर रहे हैं, देश में मच्छर खत्म नहीं हो सका, मुसलमान कैसे खत्म हो जाएगा? कितना बड़ा अपमान इन्होंने अपना कर दिया। अब मैं दूसरी बात बोलना चाहता हूँ, हक कोशी से सफेद कोशी, ये हमने नहीं, ये आजादी से पहले जिन्ना ने करा था। ये इस नारे को पोस्टर लगा लगा कर गली कूचों में लगाया, तो उस पोस्टर को लगाने वाले हिंदू थे उस वक्त, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये जो पोस्टर हमसे लगवाए जा रहे हैं इसका मतलब क्या है बंगाल के अंदर। बाद में पता चला उसका मतलब जो निकला वो अलग निकला, लास्ट में आखिरी जो शब्द उसमें बताया गया, हम इस्लाम के आधार पर, हम इस्लाम के आधार पर अपना बंटवारा चाहते हैं। अरे इस देश का हिंदू उस पोस्टर को लगाता रहा, उसे पता भी नहीं चला मेरे पैरों के नीचे से कब जमीन निकाल दी इन्होंने। ठीक है मनोज काका जी, बहस चल रही है यहाँ पर, देखिए मैं आप मुझे ये बताइए कि यहाँ जिस तरीके से कहा जा रहा है कि वो मुसलमान मुसलमान बनकर बात कर रहे हैं, वो भारतीय नागरिक बनकर नहीं बात कर रहे हैं, मतलब अभी तक तो हम ये सुनते आए थे कि साहब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको पूरी आज़ादी है, सब अपने धर्म का पालन करते हुए आपस में है सब भाई भाई, लेकिन अभी क्या मतलब मुसलमान होना इस पर सवाल उठेगा, हिंदू होना इस पर सवाल उठेगा, हम सब मिलजुल कर एक साथ नहीं रह सकते क्या? क्या एक साथ मिलजुल कर हम नहीं रह सकते, या ये राजनीति हमें नहीं रहने देना चाहती है? ये बिल्कुल आपका ये हाँ, क्या 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 राजनीति नहीं रहने देगी साथ में हम सबको, राजनीति हमें साथ में नहीं रहने, नहीं राजनीति हमें साथ में नहीं रहने देगी। क्या नेता क्या कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान? जी बिल्कुल, हिंदू मुसलमान क्या कर रहे हैं, बंटवारा करा जा रहा है सियासी के उस पे, क्योंकि ये लाउड स्पीकर का मुद्दा है, हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं था, ये लाउड स्पीकर पर सियासी शोर का मुद्दा था बेसिकली। और इससे मतलब अगर देखा जाए तो जनता को बहुत दिक्कत है, अगर इसके राजनीति की नज़र से नहीं देखा जाए तो, क्योंकि हमारी पब्लिक ऑर्डर को डिसऑर्डर कर रहा है। हाँ। एक तरीके से हमारे जब परीक्षाएं चलती हैं तो हमें इतनी दिक्कत होती है इसमें, तो इसमें जो रूल बनाए गए हैं उस पर कड़ी से कड़ी स्ट्रिक्ट मतलब एकदम। तो हैरानी हो रही है आप लोगों को कि यहाँ पर लाउड स्पीकर पर सियासी शोर की बात हो रही थी और बात पहुँच गई कि साहब देश का बंटवारा तक हो जाएगा, इस देश के लोग बंटवारा करा देंगे। पूरे एक समुदाय को यहाँ पर आपको लगता है कि डिमोनाइज करने की कोशिश की जा रही है? देखिए ये नेता सिर्फ और कुछ नहीं कर रहे, खड़े हो जाइए। हाँ। ये नेता और कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ जैसा अभी मेरा ये भाई है ये सिख है, इन्होंने बात कह दिया, ये अभी खालिस। युवाओं को सुनिए, युवाओं को सुनिए, सुनिए देश के भविष्य को। ये मेरा फ्रेंड है, ये सिख है और ये कहते हैं कि ये खालिस्तान बना देगा, कोई यहाँ पे मुस्लिम बैठा होगा वो कह देंगे देश का बंटवारा कर देगा, मेरे को इससे कोई परेशानी नहीं है, उसको मेरे से कोई परेशानी नहीं है, तो इन लोगों को क्यों परेशानी है भला? आप सुन नहीं रहे हैं, बड़ी अच्छी बात वो कह रहे हैं कि साहब यहाँ पर एक सिख बैठा हुआ है, उसको देखकर कहते हैं ये खालिस्तानी बना देगा, कोई मुसलमान है उसको देखकर कहते हैं ये देश का बंटवारा कर देगा। ABP News, आपको रखे आगे।